नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा ऋण एजुकेशन लोन के बारे में, और आपके मन में शिक्षा ऋण को लेकर जो भी सवाल हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी के जवाब मिल जाएं। और अगर फिर भी आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल को डालें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे सकूँ। आइए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में और विदेश में शिक्षा ऋण लेना किस तरीके से ले सकते हैं, किन इंस्टीट्यूट्स के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा जानेंगे IIT, IIM और प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में क्या सुविधा है एजुकेशन लोन की। इसके अलावा ITI, पॉलिटेक्निक जैसे कोर्सेज में क्या सुविधा है एजुकेशन लोन की। इसके अलावा हम जानेंगे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है एजुकेशन लोन के लिए और कैसे ट्रैकिंग कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन की। और इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि सरकार की क्या स्कीम्स हैं इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, या फिर OBCs अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्या स्कीम है, और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए क्या स्कीम सरकार की हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको एजुकेशन लोन के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको इंडिया में या विदेश में एजुकेशन लोन चाहिए तो सबसे पहली जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि जो आपका क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम है वो पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम मींस, अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो आप इंटरमीडिएट क्वालिफाइड होने चाहिए। आपको PG कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप ग्रेजुएशन क्वालिफाइड होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, जो कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं उसका एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम आपने क्लियर करना चाहिए और उसमें आपके रैंक भी अच्छी, मेरिटोरियस स्टूडेंट आप होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया, जैसे कि आप इंजीनियरिंग के लिए AIEEE देते हैं, IIT के लिए IIT एंट्रेंस देते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं मेडिकल के लिए, इस तरीके के एग्ज़ाम आप क्वालिफिकेशन होने चाहिए। विदेश के लिए ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी हैं वो IELTS, TOEFL ऐसे तरीके के एग्जाम लेती हैं, या कोई भी क्वालिफाइंग एग्जाम हो वो आपका क्लियर होना चाहिए, आपके पास ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर होना चाहिए। अब आप बैंक जाएंगे अप्लाई करने के लिए। अब अगर आपको 4 लाख रुपए तक का लोन चाहिए, 4 लाख रुपए तक का लोन चाहिए, आपका फीस मान लिया 6 लाख है लेकिन आपको 4 लाख का लोन चाहिए, 2 लाख आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, तो आपको उसमें कोई मार्जिन नहीं देना है, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है, कोई गारंटी नहीं देनी है। आप यानी स्टूडेंट, साथ में आपके पेरेंट्स दोनों मिलकर को एप्लीकेंट बनकर लोन ले सकते हैं। इसमें पेरेंट की इनकम भी जरूरी नहीं है कि पेरेंट की इनकम इतनी होनी चाहिए तभी आपको एजुकेशन लोन मिलेगा। एजुकेशन लोन के लिए पेरेंट की इनकम भी महत्वपूर्ण नहीं है, आपको आपकी मेरिटोरियस होने के बेस पे एजुकेशन लोन मिलेगा। तीसरा, अगर आप सोचते हैं कि आपके पेरेंट्स या आपके फादर, मान लिया उन्होंने पिछला कभी लोन डिफॉल्ट किया है, उनका लोन NPA था कभी, जिस वजह से बैंक उनको लोन नहीं देते, तो एजुकेशन लोन में क्या होता है, आप फादर नहीं ले सकते तो आप मदर को एप्लीकेंट बना सकते हैं और उनको एप्लीकेंट बना के आप लोन ले सकते हैं। अगर फादर या मदर दोनों का ही ऐसा केसेस है, NPA है, पिछला कभी उन्होंने लोन नहीं चुकाया है किसी कारणवश और जेन्युइन कारण की वजह से नहीं चुकाया है, तो भी बैंक उन लोन को कंसिडर कर सकते हैं मेरिट बेस पर। ये हो गया को एप्लीकेंट की बात। फिर आप आते हैं 4 लाख से 7.5 लाख तक का, अगर आपको लोन चाहिए तो बैंक आपसे, आप हैं, आपके मदर या फादर को एप्लीकेंट हैं, उसके अलावा एक थर्ड पार्टी गारंटी की डिमांड करेंगे। थर्ड पार्टी गारंटी मींस, आप और आपके फादर या मदर के अलावा कोई थर्ड पर्सन जिसकी इतनी इनकम हो या जिसका इतनी नेटवर्थ या हैसियत हो जितना आप लोन ले रहे हैं चुकाने की, तो 4 से 7.5 लाख तक आपको थर्ड पार्टी गारंटी देनी होगी। साथ ही साथ इसमें आपको मार्जिन भी देना होगा। मार्जिन क्या होता है, जैसे कि 4 से 7.5 लाख तक में अगर आप इंडिया में लोन ले रहे हैं तो 5% का मार्जिन देना होगा, और अगर आप विदेश में लोन ले रहे हैं विदेश की पढ़ाई के लिए तो आपको 15% का मार्जिन देना होगा। मार्जिन क्या होता है, हर 100 रुपये में 85 रुपये जो है बैंक देगा और 15 रुपये आपको अपने देने होंगे विदेश के लिए, और इंडिया में हर 100 रुपये में 100 रुपये में से 95 रुपये जो है बैंक देगा और 5 रुपये आपको अपने लगाने होंगे इंडिया में स्टडी करने के लिए।
यह होता है 4 लाख से 7.5 लाख तक में। और अगर आप किसी कारण से थर्ड पार्टी गारंटी देने में असमर्थ हैं, किसी तीसरे बंदे की गारंटी देने में असमर्थ हैं, तो भी सरकार की एक स्कीम है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर एजुकेशन लोन इन इंडिया, उसके तहत आप एजुकेशन लोन के लिए गारंटी सरकार देगी आपकी तरफ से। उसके एवज में सरकार एक फीस लेती है, लेकिन सरकार आपके एजुकेशन लोन की गारंटी लेगी और आपको थर्ड पार्टी गारंटी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी 7.5 लाख तक के लोन के लिए। अब 7.5 लाख से ऊपर का आपको लोन चाहिए इंडिया में या विदेश में, तो मार्जिन वही रहेगा 5% और 15%, लेकिन आपको सिक्योरिटी देनी होगी। सिक्योरिटी मतलब कोई भी एक, जैसे आपका प्लॉट हो या आपका कोई मकान हो या आपके फादर का कोई LIC पॉलिसी हो या कोई बैंक डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू आपके लोन के बराबर हो, वो आपको सिक्योरिटी में देनी होगी बैंक को, तभी आपको 7.5 लाख से ऊपर का लोन मिल सकता है। अब ये जो लोन है इनमें ब्याज आपको कैसे देना है, ब्याज अलग अलग बैंक का अलग अलग ब्याज हो सकता है, कोई 10.5% दे रहा है, कोई 11% पे दे रहा है, कुछ भी होगा, लेकिन ब्याज देने का आपके पास एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, ब्याज आप दो तरीके से दे सकते हैं, या तो आप मोरेटोरियम पीरियड पे जो होता है, मोरेटोरियम पीरियड और मोरेटोरियम पीरियड के बाद, दो हिस्से होते हैं एजुकेशन लोन के। तो मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है, आपका जो पढ़ाई का पीरियड प्लस उसके साथ 1 साल का पीरियड, उसको मोरेटोरियम पीरियड बोलते हैं, या फिर आपका पढ़ाई का पीरियड प्लस आपकी नौकरी लगने तक का पीरियड, लेकिन यह मैक्सिमम 1 साल तक ही जा सकता है। अगर आपकी नौकरी 6 महीने में लग जाती है तो वो आपका मोरेटोरियम हो जाएगा, पढ़ाई प्लस नौकरी लगने तक का समय, और मैक्सिमम 1 साल, 1 साल के बाद आपको फिर मोरेटोरियम पीरियड खत्म हो जाता है। तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप ब्याज नहीं दे सकते मोरेटोरियम पीरियड पे, कोई बात नहीं, आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जो मेरा ब्याज है मैं नहीं दे सकता मोरेटोरियम पीरियड के दौरान, आप इसको EMI में ले लीजिएगा, 1 साथ EMI बना के, किस्त बना के ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप ब्याज दे सकते हैं तो ब्याज को दीजिए, क्योंकि इसमें भी सरकार की स्कीम यह है, अगर आप मोरेटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज देते हैं तो आपको आगे जाके 1% की और इंटरेस्ट में रिबेट मिल सकती है। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट की बात, बाकी कितने पीरियड तक आपको मिलता है। आपको लोन अगर आप 7.5 लाख तक लेते हैं तो आपको मोरेटोरियम पीरियड के बाद 10 साल मिलेंगे अपनी EMI चुकाने के लिए। अगर आप 7.5 लाख से ऊपर लेते हैं तो आपको 15 साल तक मिलते हैं EMI चुकाने के लिए, 15 साल मतलब 180 महीने आपको मिलेंगे आपकी EMI चुकाने के लिए, वो भी मोरेटोरियम पीरियड के बाद। मोरेटोरियम पीरियड मतलब आपका कोर्स पीरियड प्लस 1 साल, या फिर वो अवधि जब तक आपकी नौकरी लगती है, लेकिन मैक्सिमम 1 साल, 1 साल से ऊपर नहीं जा सकता है। ये हो गया आपका इंटरेस्ट और रिपेमेंट पीरियड, कितने समय तक के लिए आपको मिल सकता है। सिक्योरिटी की हमने बात की, ब्याज अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है, तो इस तरीके से आपको होता है। अब इंडिया में आपको किन कोर्सेज के लिए लोन मिलेगा, इंडिया में आपको उन कोर्सेज के लिए लोन मिलेगा जो NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के द्वारा उसकी लिस्ट में होंगे, या NBA से एक्रेडिटेड होंगे। NBA मींस नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, ये संस्थाएं इंस्टीट्यूट्स को मान्यता देती हैं। इनकी लिस्ट में आप देखिएगा, जो A+ ग्रेड के इंस्टीट्यूट होते हैं उनको बैंक आसानी से लोन देते हैं, उनकी रेपुटेशन अच्छी होती है, जैसे कि, या फिर अगर ऐसा इन दोनों में से है और साथ ही साथ उसका अप्रूवल होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, UGC से या फिर AICT से अप्रूव होना चाहिए, अगर मेडिकल कोर्स है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव होना चाहिए, अगर लॉ कोर्स है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से होना चाहिए, नर्सिंग कोर्स है तो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव होना चाहिए इंडिया में। विदेश में ऐसी संस्था कोई नहीं है, लेकिन आप जब भी अप्लाई करेंगे तो एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ, webometrics.info, इस वेबसाइट में जाके उस इंस्टीट्यूट का नाम डालिए और सर्च कीजिए कि उसकी रैंकिंग कितनी है। जैसे कि मैंने देखा IIT की, इसमें सर्च किया, सारे IITs की रैंकिंग इसमें दिखा दी। इसी तरीके से आप सर्च कीजिए जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं विदेश की, उसकी रैंकिंग कितनी है, अगर 1000 के अंदर है तो बैंक आपको आसानी से लोन दे सकते हैं, 2000-3000 में भी है तो बैंक आसानी से आपको लोन दे सकते हैं, क्योंकि उनकी पूरी वर्ल्ड में अच्छी रैंकिंग है, जितनी अच्छी रैंकिंग होगी आपको उतना अच्छा
आसानी से बैंक लोन दे सकेंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यूनिवर्सिटी अच्छी है और बच्चे का फ्यूचर भी अच्छा है। ये बात हुई किन इंस्टीट्यूट्स में बैंक आपको लोन आसानी से दे सकते हैं। अब बात करेंगे इसके अलावा अगर आप IIT, IIM, ISB, BITS, पिलानी इस तरीके के प्रीमियर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और आप जो है इस तरीके निम्न आय वर्ग के परिवार से हैं, आपके पास सिक्योरिटी देने के लिए नहीं है, तो आप फिर भी इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं। बैंकों की स्पेशल स्कीम होती है इन इंस्टीट्यूट्स के लिए, IIT, IIM, NITs के लिए, इनमें आपको बिना सिक्योरिटी के भी लोन दिया जा सकता है। आप अलग अलग वेबसाइट में जाके सर्च कर सकते हैं, बैंकों की स्पेशल स्कीम इन इंस्टीट्यूट्स के लिए होती है और आप बिना सिक्योरिटी के भी इनमें लोन पा सकते हैं। IIT, IIM, ISB, BITS, पिलानी इस तरीके के कॉलेजेस में जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना है, छोटे कोर्स होते हैं, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स, NIT, आपको ITI, पॉलिटेक्निक करना है, इस तरीके के अगर आप कोर्स करने हैं जो स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा आपको उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, उन कोर्सेज के लिए भी आपको लोन मिलता है। ये 3 महीने के कोर्सेज भी होते हैं और ये 1 साल के कोर्सेज भी होते हैं और कुछ केसेस में डिप्लोमा 3 साल का भी होता है, इनमें भी आपको लोन दिया जा सकता है। 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक का लोन बैंक इनके लिए देते हैं और आप आसानी से इनके लिए भी लोन पा सकते हैं। इन जो सभी लोन की मैंने बात की, इनमें आपको ट्यूशन फीस, आपको बुक का कॉस्ट, आपको एग्जामिनेशन फी, लाइब्रेरी फी एटसेट्रा, जो भी उसके जो परफॉर्मा होगा फीस का, जो भी उसमें दिया रहेगा जेन्युइन, वो आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको हॉस्टल फीस भी दिया जा सकता है, रहने का लिविंग कॉस्ट भी दिया जा सकता है। उसका एक लिमिट होता है कितने तक आपको बैंक मैक्सिमम ये देगा, लेकिन इनके लिए भी आपको लोन मिल सकता है, आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड हो सकते हैं। इसके अलावा वो कोर्स जिनमें लैपटॉप मैंडेटरी है, बिना लैपटॉप के आपका काम नहीं हो सकता, उनके लिए बैंक लैपटॉप खरीदने के लिए भी आपको लोन दे सकता है। ये सब बात हुई किस तरीके के लोन हैं और आपको कैसे मिलेंगे। अभी बात करते हैं कि सरकार की क्या क्या स्कीम्स हैं। सरकार की दोस्तों, अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हैं, आपकी फैमिली इनकम 4.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, 4.5 लाख रुपए तक है ईयरली, इसमें आपको तहसीलदार सर्टिफिकेट देगा, अगर फार्मर्स हैं ITR भरते हैं तो उस तरीके से सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, तो सरकार आपका जो मोरेटोरियम पीरियड है, मैंने आपको पहले बताया मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है, उस पीरियड में लगने वाले ब्याज को सरकार बियर करेगी, सरकार देगी आपकी तरफ से। CSIS स्कीम इसको बोलते हैं, सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर एजुकेशन लोन, जो निम्न आय वर्ग हैं 4.5 लाख रुपए तक का जिनका लोन सालाना इनकम है, उनको सरकार देती है। दूसरी स्कीम माइनॉरिटीज के लिए है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं इंडिया में, उनके लिए, विदेश में पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए, जो हायर कोर्सेज, जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, PhD ग्रेजुएशन नहीं मास्टर डिग्री, उनके लिए इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है पढ़ो प्रदेश। पढ़ो प्रदेश स्कीम के अंतर्गत आपको जो मोरेटोरियम पीरियड का जो ब्याज है वह सरकार देगी। कितने आय होनी चाहिए, मैक्सिमम 6 लाख इनकम होनी चाहिए फैमिली की, उससे कम वाले लोगों को ये सरकार ये सुविधा देती है, 6 लाख से ऊपर वालों को नहीं देती। इसके अलावा तीसरी स्कीम है अंबेडकर स्कीम फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट एंड EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट। OBC जो क्रीमी लेयर में नहीं आते, क्रीमी लेयर क्राइटेरिया के अंदर ही अंदर रहते हैं, और EBC इकोनॉमिक कोई भी हो, इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन होगा जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम होगी, 2.5 लाख से कम होगी, उसको यह सुविधा मिलेगी। जो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर्स, MPhil या फिर डॉक्टरेट की कोई उपाधि ले रहे हैं, नॉट ग्रेजुएशन, मास्टर्स, उनको मोरेटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज में सरकार सब्सिडी देगी। तो ये स्कीम है अंबेडकर स्कीम OBCs और EBCs के लिए, पड़ो प्रदेश स्कीम माइनॉरिटीज के लिए, और ये दोनों स्कीम विदेशों में पढ़ने के लिए है, और इंडिया में पढ़ने के लिए जो है, जो भी लोग जिनका इनकम 4.5 लाख रुपए से कम है फैमिली इनकम, सभी लोग इसमें कवर्ड होते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, चाहे वो जनरल हो, चाहे SC ST हो, या OBC हो, या EBC हो।
जिनकी इनकम 4.5 लाख से कम है ईयरली, उनको यह सुविधा मिलेगी और उनका जो मोरेटोरियम पीरियड का ब्याज है वह सरकार देगी। लेकिन अगर आपने ब्याज दिया है, सर्व किया है मोरेटोरियम पीरियड में, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप जमा कीजिए, वो आपके प्रिंसिपल से डिडक्ट होगा, साथ ही साथ आपको 1% के इंटरेस्ट की छूट मिलेगी अगर आप मोरेटोरियम पीरियड के दौरान इंटरेस्ट भरते हैं अपनी तरफ से। तो यह हो गया सब कुछ, 3 स्कीम्स सरकार की तरफ से, सरकार की गारंटी स्कीम भी है 7.5 लाख तक, अगर आप थर्ड पार्टी गारंटी नहीं दे सकते सरकार आपकी तरफ से गारंटी देगी क्रेडिट गारंटी एजुकेशन लोन स्कीम के तहत। और आपको मैंने बताया कौन कौन से कोर्सेज के लिए एजुकेशन लोन मिलता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको एजुकेशन लोन अप्लाई करना है तो कैसे करना है। आप बैंक में बिना जाए लोन अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए विद्यालक्ष्मी पोर्टल सरकार ने बनाया है। ये विद्यालक्ष्मी पोर्टल देखिए इस तरीके का दिखेगा, विद्यालक्ष्मी पोर्टल में जाके आप अप्लाई नाउ कीजिए, वहाँ पे पूरी डिटेल आएगी, उस डिटेल को भरिए और डिटेल भरने के बाद अपना बैंक चूज़ कीजिए, ब्रांच चूज़ कीजिए, उस ब्रांच में आपका एप्लीकेशन जाएगा ऑनलाइन, उसके बाद आप ब्रांच जाइए और उसकी ट्रैकिंग आप अपना ऑनलाइन कर सकते हैं और सरकार भी इसकी ट्रैकिंग साथ ही साथ करती है। कोई बैंक बेवजह आपका लोन रिजेक्ट नहीं कर सकता है जब तक कि कोई जेन्युइन कारण ना हो। रिजेक्ट हो सकता है लोन आपका, लेकिन जेन्युइन कारण के कारण, बिना जेन्युइन कारण के आपका लोन रिजेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सबको है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरा वीडियो है इससे आपके सभी जो क्वेश्चन होंगे एजुकेशन लोन से रिलेटेड उनका आंसर आपको मिला होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और आगे भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद, शेयर जरूर कीजिए अगर अच्छा लगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।